बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऋषि सापी, प्रोग्राम काबुल आवर के साथ। मेरे साथ मौजूद है हस्ब मामूल नौखेज साई साहब, सीनियर तजिया निगार है, और हमायून खान साहब, दोनों मेरे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर ख़ान मुत्तकी का दौरे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो एक ह्यूज कंसर्न है अमंग द टू कंट्रीज़, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तिजारती सरगर्मियों में जो तातुल पैदा हुआ है 15 अगस्त के बाद, और इसके लिए दोनों ममालिक जो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो कोशिशें कर रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे भारत की जानिब से अफगानिस्तान के हवाले से न्यू दिल्ली में मुनक़िदा इजलास के हवाले से, उसके कुछ नतज ज़्यादा हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये तीन मौजूद है। और इसके साथ साथ जो हमारी झेली मौजूद होंगे वो ट्राइका प्लस का जो इजलास यहाँ पे होना है इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में, और जुमरात से यानी कल से, और इसके बाद जो जो ये वफ्त यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद रहेगा, और इस हवाले से जो पेशरफ्त मुतवक्के हैं दोनों ममालिक के बीच में, इस पे हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी मौजूद है उस पर भी बात करेंगे। हम इस पे जो मेरे साथ दो मेरे सीनियर तजिया निगार दोस्त बैठे हैं, इनसे भी हम इनकी राय जानेंगे। और हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही अहम, काबुल से हमें ज्वाइन करेंगे, हमें काबुल की सूरत हाल यानी अफगानिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ हम गुफ्तगू करें, हम खान साहब और नौखेज़ साही साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहता हूं कि हम पहले जाएं और हम काबुल की नज़र ले लें, काबुल की राय ले लें। और हमारे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में बहुत ही अहम अफगानिस्तान के सियासतदान हैं, अफगानिस्तान की सियासत के एक बहुत ही अहम नाम है, साबिक सदर अशरफ, डॉक्टर अशरफ गनी के भाई हैं, लेकिन उनकी उनका अपना एक मुकाम है, एक उनका एक अपना रुतबा है। वो हमारे साथ मौजूद होंगे, हशमत गनी साहब काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं से हम आगाज़ करें और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम हशमत गनी साहब। अलैकुम अस्सलाम जी, आपको, आपको व्यूअर्स को और आपके जो मेहमान हैं सबको सलाम। और पहले से मैं माफी भी चाहता हूँ, मैं उर्दू में बहुत अरसे के बाद बात करता हूँ, अगर कुछ तो नहीं, मेरी और आपकी मादरी जुबान पश्तो है और आप बहुत बेहतरीन उर्दू बोल रहे हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल भी है और हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कौमी जुबान में आप बात कर रहे हैं। तो हशमत गनी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप आपको इल्म है कि इस वक्त काबुल से एक आला सती वफद मौलवी आमिर ख़ान मुत्तकी की सरबराही में इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। ये दौरा आपकी नज़र में, मैं उस तनाजुर में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की सियासत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कितनी अहम पेशरफ्त हैं? हम तो हैं इसलिए कि पहले मुझे दो तीन मिनट दे दीजिए, मैं जरा सिचुएशन को क्लियर कर दूं कि क्या हो रहा है आजकल। यूरोपियन कंसर्न और स्पेशली जर्मनी का कंसर्न है कि 2-3 मिलियन अफगान अगर महाजर बन जाते हैं और यूरोप पहुंचते हैं, उसके लिए बहुत मसला बन जाता है। तो इसलिए जर्मनों ने लीड लिया है कि एड को भी उन्होंने $600 मिलियन कमिट किया है, और उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप भी ज्यादा एक्टिव हुआ है, अमेरिकन को और कतर को, दोहा को, इमारात को, और सारा जो मिडिल ईस्ट इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों ने उसके साथ मिलकर ये बात ये कि तालिबान को के साथ जोड़ना या कुछ ना कुछ इनको कन्विंस करना कि बगैर इंटरनेशनल रिकग्निशन मुश्किल होगा हुकूमत चलाना। पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान ने बहुत अरसे से ज्यादा कोशिश की है कि इसको जरा संभाले, और ये लोग ये भी समझ रहे कि बगैर ये कोलिजन बनाने में या कोई और लोगों को साथ लेने में इंटरनेशनल रिकग्निशन भी नहीं होगा,
और उसके बगैर ना फाइनेंस ना बिजनेस या कोई इनिशिएटिव। और ये आजकल मुत्तकी साहब को हमारे तालिबान का जो यंग डिफेंस मिनिस्टर है मुलायम याकूब को, और ये सब लोगों को, उन लोगों को पता भी है कि ये जरूरी है कि एक कोलिजन बन जाए, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का वो लोग ज्यादा के ज्यादातर बातें हो जाते हैं आजकल। मैडम बातें इसमें जाता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जैसा या केयर टेकर गवर्नमेंट जैसा बन जाए कि ये लोग भी हो गए, और वो दूसरा जैसा बन में मेरा ख्याल है वो गलती से ठीक तालिबान को इन्होंने साथ नहीं लिया, और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया, और फिर पाकिस्तान का कंसर्न भी था कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। आजकल तो वो कंसर्न भी मेरा ख्याल है रफा हो गया है, और जितना पाकिस्तान का भी अपना कंसर्न है कि अगर दो ठीक तीन 5 मिलियन रिफ्यूजीज जो जी 5-10 हज़ार दिन में क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाता है, वो लोगों का ऊपर भी एक और बोझ बन जाता है। जी ईरानियन का कंसर्न है कि 5 हज़ार से आजकल ज्यादा जी लोग जी दिन पे जाता है, और वो ईरान क्रॉस करके हसमत गनी तुर्की साहब, यूरोप पे आई एम जाता है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत खा हूँ। मैं आपसे सिर्फ दो नुकात जानना चाहूँगा। एक तो जो आपने इंडिया का जिक्र किया, आप काबुल के बीच में मौजूद रहे, आपके भाई साहब की हुकूमत वहाँ पे रही, उससे पहले हामिद करजई साहब की हुकूमत रही। जो पाकिस्तान में एक नुक्ता उठाया जा रहा है या एक अंडरस्टैंडिंग है कि हिंदुस्तान ये इलाकाई स्पॉइलर रहा है, और उन्होंने जानते बूझते या अनजाने में अफगानिस्तान की सरजमीन को माजी करीब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। आप काबुल में इस तमाम अरसे में मौजूद रहे, एक तो ये नुक्ता हमें समझाएं कि वाकई इंडिया का जो स्पॉइलर का एक किरदार था वाकई वो रहा है, एक ये बात। और दूसरी बात, अगर बिलफर्ज़ महाल ये अफगान अबूरी हुकूमत को इस वक्त पजीराई मिलती है और तस्लीम हो जाती है आलमी सतह पे, तो क्या ये क़यादत जो इस वक्त तो मुल्ला हैबतुल्ला साहब की क़यादत में जो इस वक्त काबुल में मौजूद है, ये अफ़गानिस्तान के मसाइल हल करने की अहलियत रखती है कि नहीं? देखिए ये तो दो बातें, एक इंडिया का, इंडिया ने ये बात की है 20 साल में कि पाकिस्तान को अटेंशन डाइवर्ट करके अफगानिस्तान ने वो प्रोपेगेंडा बना करके पाकिस्तान को तश्वीश में रख दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने बहुत कम पैसे से ज्यादा के ज्यादा जो कश्मीर का मसला या जो टेंशन पाकिस्तान इंडिया में था वो अफगानिस्तान के थ्रू कर दिया। कुछ लोगों को उन्होंने रॉ एजेंट या ये भी बना दिया, वो फैक्ट है ठीक मैडम। अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स 20 साल से ज्यादा या 40 साल से हर एक इन्वॉल्व था, कुछ ना कुछ लोग हर ग्रुप के काम थे। दूसरा बात जो आप हुकूमत का बात करते हैं, ये जो यंग जनरेशन है तालिबान का लीडरशिप में की मुलायम, इन लोगों को पता है कि ये लोग डिफेंस हैंडल कर सकते हैं, ठीक इंटीरियर हैंडल कर सकते हैं, हो सकता है ये लोग कुछ जजेस और ये भी हैंडल। मैडम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इन लोगों का भी खुद भी पता है, ये इन लोगों से जो प्राइवेट में बात हो सकती है या लीडरशिप, इन लोगों को पता है कि बगैर वो टेक्निकल ग्रुप यानी आप गवर्नमेंट तवक्को चलाना रख रहे नहीं हो हैं कि सकता। अगर दुनिया साथ दे तो ये मौजूदा क़यादत अफगानिस्तान के बहरान को हल कर सकते हैं, ये जो कर सकती है ये जो मौजूदा क़यादत है। बगैर एक्सपर्ट्स देख लिए, बगैर एक्सपर्ट लाना, मैं नहीं चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है उनको अंदर मारम। अफगानिस्तान में ये 20 साल में बहुत ज्यादा के इंडिविजुअल लोग है जो टेक्निकल लोग है जो जी प्रोफेशनल लोग है जो एजुकेटेड लोग है, उनको फाइनेंस में कमर्शियल सेक्टर तिजारत में
रूलर में, वाटर रिसोर्सेस में, इलेक्ट्रिसिटी में, जितना टेक्निकल एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का, उनके बगैर गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल बात होगी। जी, आखिरी आपसे जो नुक्ता हम समझना चाहते हैं, आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली में भारत की ज़ेर निगरानी अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर दो जो मेरे लिए हैरानकुन बातें हैं कि इसमें ना तो पाकिस्तान शरीक है ना अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत। इस कॉन्फ्रेंस के नतायज का क्या, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं या जो पूरा मसला जो हमारे सामने मौजूद है, इसके कुछ नतायज आपकी नज़र में निकल सकते हैं? मैं आपकी, आपको शायद इल्म हो, लेकिन जो भारत के मायनाज तजिया निगार संजय कपूर, उनका कहना है कि पाकिस्तान चीन और अफ़ग़ानिस्तान के बग़ैर जो न्यू दिल्ली में जो आज एक्टिविटी हुई है ये बिल्कुल रायगा है, इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो नहीं है, इसलिए इंडियन को, इंडियन तो ये चाहते हैं कि जितना उनका कंसर्न है कि अगर अफगानिस्तान के हुकूमत से कुछ गड़बड़ हो जाता है या तालिबान से, ये इधर से कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिया का सिर्फ, मेरा ख्याल है ये बात वो लोग ज्यादातर सामने आता है कि वो लोग चाहते हैं कि इनको दुनिया को कन्विंस कर दे कि कैसे अटैक हो जाते या कैसे तरीके से बाज ग्रुपों को या तालिबान की ग्रुपों को इंडियन सॉइल से या मिडल ईस्ट से या कहीं और जगह से अमेरिकन या कोई और के वास्ते से अटैक हो जाता है। मैडम ये तो जैसा आप कहते हैं कोई खास बात इस मीटिंग से नहीं निकल सकता है, और ये कोई पीसफुल रेजोल्यूशन भी इससे नहीं निकल सकता। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया हशमत गनी साहब आपका वक्त देने के लिए पीटीवी को, जो आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें जो हमारे रहनुमाई की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमन खान साहब, क्विकली मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा जो आखिरी नुक्ता हशमत गनी साहब के सामने हमने रखा कि हिंदुस्तान में, भारत में जो आज एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ना इंडिया शामिल, पाकिस्तान शामिल हुआ, ना अफ़गानिस्तान शामिल हुआ, ना चीन जैसे अहम ममालिक ने शिरकत की। हशमत गनी साहब भी फरमा रहे थे कि ये एक जो है सही ला हासिल और पराए शादी में अब्दुल्ला देवानी वाली बात है, तो आपका नज़र हम जानना चाहेंगे। जी मेरे ख्याल जी, ये आपका जो जिस तरह आपने सवाल किया था, फिर हशमत गनी साहब ने भी उसके जवाब में इसी तरह का इजहार किया, और फिर आपने संजय कपूर साहब का जिक्र किया, ये बात अभी की नहीं है, ये आज से 8 साल 10 साल पहले भी ये बात हो रही थी कि अगर अफ़ग़ानिस्तान के मसले का हल किसी मुल्क के पास हो सकता है जो जो या जो सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर सकता है वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान किसी भी ऐसे मैकेनिज़म का हिस्सा नहीं जहाँ अफ़गानिस्तान के ऊपर डिस्कशन हो रही हो, तो वो बहुत सारे लोगों का जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ये है कि वो बहुत, वो जो है ना लाहासिल गुफ्तगू होगी या उसका जो मीनिंगफुल नहीं निकलेगा। आज की भी जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, एक मीटिंग थी जो उनसे पहले भी 2 साल कर चुके हैं, इसमें चीन ने भी इनकार कर दिया शामिल होने से, ऑल्दो के इंडियन अखबारों ने उसको कहा कि स्केड्यूलिंग की वजह से किया या किसी और वजह से किया, लेकिन चीन ने भी अपना वो जो है वेट पाकिस्तान के पीछे रखा। पाकिस्तान ऑलरेडी बता रहा था कि इंडिया का जो है कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं बाय द वे, ये भी नहीं है कि अफगानिस्तान में, लेकिन ओवरऑल जो उसका रोल रहा या जो उसका रोल ख़त्म हुआ उससे वो बहुत पैनिक हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी समझ ये रहे थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे पिछले चंद सालों में, दोहा मुआहिदा या उसकी सूरत में जो अभी इस वक्त गवर्नमेंट आई है उसकी नेगोशिएशन के अंदर पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया ने सराहा, तो उससे जो ये जो वो जो इंडिया की कोशिश है मेरे ख्याल एक बड़ी मीनिंगलेस हासिल है। जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा नौखे साहब, आपसे भी इसी मामले पर, दिल्ली में जो आज एक्टिविटी हुई है, आज एक्टिविटी एक ये है कि आमिर खान मुत्तकी साहब की सरबराही में एक आला सतही वफद पाकिस्तान पहुंच गया है, वज़ीर तजारत में भी मौजूद है, बहुत सारे अहम लोग जो अबूरी हुकूमत के हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जो कल और परसों यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होनी है,
इसका आप तकाबली जायजा पेश करें। और जो नई दिल्ली में जो एक सरगर्मी हुई है उसका हमें थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि ये क्या मामला है। देखें, एक तो आप ये जहन में रखें कि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है जी, वो अपने जो भी डिप्लोमेसी को समझते हैं कि जो सबसे अच्छी जगह पे साजगार माहौल में हो सकती है वो पाकिस्तान में हो सकती है। एक पाकिस्तान एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिधर रीजन के बड़े प्लेयर्स उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ हमारे रहे हैं, रवाबत रहे हैं, मजहब हर चीज हमारी। फिर हमने एक रोल प्ले किया पिछले 20 साल में, फिर हमने कुर्बानियां दी हैं, फिर हमने जंग लड़ी है अफगानिस्तान के साथ, हमने 80,000 लोग हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं। यानी इंडिया देखें, ये नेशनल एडवाइजरी एडवाइजर जो इकट्ठे हुए हैं तो मुख्तलिफ मुल्कों के, तो वो जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, संजय कपूर साहब ने कहा है कि वो ये भी लिख रहे थे कि ये तो कोई डिप्लोमेट्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे, ये तो फार्मर सोल्जर्स हैं, कोई पुलिस से है, कोई फौज से है। तो इनका अभी जो अफगानिस्तान का मसला है उस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो डिप्लोमेसी के थ्रू मामलात को हल करना चाहिए, ना कि आप जो सोल्जर्स हैं जिनके, अब इंडिया का मसला सबसे बड़ा ये है कि वो अपने आप को वो चाह रहा है इन करना चाह रहा है कि क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, उसको बहुत बड़ी वो बैकिंग थी पिछली गवर्नमेंट को, तो एक दम जो है जिस तरह वो पूरी दुनिया में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि exactly. है कि जिस जहां पे भी इंडिया इन्वेस्ट करता है, अफगान हुकूमत पे की, अशरफ गनी की हुकूमत, वो भाग के दुबई बैठ गए, क्रिकेट टीम पे की उन्होंने ही आउट करवाया टी20 वर्ल्ड कप से इंडियन टीम को। ये तालिबान उसमें आए हुकूमत में, ये पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज था। और जिन जिन मुल्कों की उधर इन्वेस्टमेंट थी, स्पेशली इंडिया की बहुत ज़्यादा थी, इंडिया की एक पूरी एक उधर लॉबिंग करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको समझ नहीं आई कि किस तरह इसको वाइंड अप करें। अब वो अपनी जो एक्सेस चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान में एक दफ़ा फिर, लेकिन इस वक्त जो दुनिया है वो इंडिया को कह रही है कि जो असल प्लेटफॉर्म है, जो असल मुल्क रोल प्ले कर सकता है, जिधर अफगान बुरी हुकूमत जो है कंफर्टेबल है, तो वो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, आपको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को अपनी जो कॉन्स्पिरेंसी की थ्योरी है उसको तर्क करके जमीनी हकायक के मुताबिक दुनिया के साथ चलना होगा, अदरवाइज आइसोलेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखें डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया है, वजीर खारजा इधर आए हैं, पाकिस्तान के साथ वो बैठेंगे, अपने मामलात जो हैं उनको सार्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, इनके सामने रखेंगे, फिर पाकिस्तान जो है ट्राइका प्लस में उनके इश्यूज जो है वो लेके जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली कि पाकिस्तान ही की रिकमेंडेशन पे अफगान वफ ट्राइका प्लस में भी शरीक हो। बिल्कुल, तो ये इसके इम्कानात मौजूद हैं। ये तो ऐसा ही है कि आप एक घर का फैसला करने जा रहे हैं, एक मुल्क का फैसला करने जा रहे हैं, और उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और वो भी ऐसा मुल्क जिधर रिसेंटली एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, चाहे वो अबूरी हुकूमत है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नौखे साहब बहुत बुनियादी बात कर रहे हैं हमन खान साहब। एक तो एक सोडो एक्टिविटी दिल्ली में हुई और एक्चुअल एक्टिविटी जो अब पाकिस्तान में होने जा रही है। मैं चाहूँगा बहुत ही करीब से अफगानिस्तान के इश्यूज को और बैन अक्वामी उमूर को देख रहे हैं, इंडिया को भी आप बहुत बेहतर जानते हैं, चाइना पे भी जो चाइना की पॉलिटिक्स है उसको भी आप बहुत ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये जो सूडो एक्टिविटी न्यू दिल्ली में होने जा रही है और एक ओरिजिनल एक्टिविटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में, बल्कि दो एक्टिविटीज़ जो होने जा रही है, एक तो ये वफ़ जो आया हुआ है और ट्राइका प्लस का जो है इजलास होना है, इसका अब तकाबली जायजा पेश करें और इसको अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के तनाजर में हमें समझाइएगा कि पाकिस्तान का रोल क्या है और इंडिया का रोल क्या है। जी, मैं इसमें नुखेस साई साहब ने जिस तरह कहा वो मेन पॉइंट है कि अगर आप एक मुल्क के बारे में कोई फैसला करने जा रहे हैं उनकी तजारत से रिलेटेड या उस मुल्क के अंदर से होने वाले जो वाकयात जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते हैं उन पर, तो उसमें वहाँ पे रहने वाली मौजूदा हुकूमत को, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप है, उसको इंडिया ने भी इनवाइट नहीं किया। बाय द वे, तालिबान नहीं गए इंडिया जी, अपनी मर्जी से नहीं गए, उनको बुलाया नहीं गया, बट जो भी है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान और चीन ने वैसे कर दिया, उससे इसका जो वेट है वो बड़ा कम हो जाता है।
डिस्पाइट द फैक्ट ये नहीं हुआ, मैं फिर भी कहूँगा कि ये एक एक्टिविटी है जो इंडिया ने की, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपको याद हो तो जो हमारे ही प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू की, गानी साहब ने जो कल कहा, उन्होंने यही कहा कि अगर कुछ मुल्क अपनी चीज़ों को ठीक करके कोई बेहतर फैसला करना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, कोई मजायका नहीं। और अगर आप देख लें उसमें कुछ रीजनल ममालिक भी हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, रशियंस हैं, ये अहम ममालिक, वो अच्छी बात है। अगर इंडिया कोई बेहतर नतीजा लेके आ सकता है पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान ने तो हर मौके पर कोशिश की है कि रीजन के अंदर जो खराबी है उसको किसी तरह कम किया जाए। उसके बरक्स जो कल एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है वो उसमें रूस एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, अमेरिका जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, और डेलीगेट्स के तौर पे कई ममालिक के और भी नुमाइंदे इनवाइटेड हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वफ्त अफगानिस्तान की तरफ से भी आया है, और हम कोशिश भी करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि शायद वो भी इसमें शामिल हो। और उसके बाद जो उनके फैसले होंगे वो बड़े अहम होंगे। उसमें जो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई लचक दिखाई जाए, जो कि डिमांड्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, जिस तरह अशमत साहब ने कहा इंटरिम सेटअप के अंदर कुछ और लोगों को शामिल किया जाए, जो वुमेन राइट, चिल्ड्रन राइट, बात यही है कि हो सकते कुछ खवातीन भी आने वाले दिनों में हुकूमत में शामिल हो, कुछ और एथनिक ग्रुप को भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हो। ये फैसले मेरे ख्याल में हो रहे हैं और शायद यही बड़े अच्छे फैसले हैं जो कि खित्ते के आइंदा आने वाली सूरत हाल को बहुत हद तक डिफाइन करेंगे, और उसमें पाकिस्तान के अंदर इसका रोल ऑब्वियसली पूरी दुनिया के सामने। अगर आपकी गुफ्तगू को समराइज करूँ कि दिल्ली में और इस्लामाबाद में जो एक्टिविटीज हो रही है, आपकी नज़र में ज्यादा रेलिवेंट इस्लामाबाद की? मेरे ख्याल में कंपेरिजन ही कोई नहीं, ये एक बहुत रेलिवेंट और स्टेक होल्डर सारे इसमें शामिल हैं, वो भी एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन उसका कोई हासिल नहीं है। वो बस वैसे, चूंकि इंडिया जिस तरह ये कह रहे थे कि अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए उसने चंद मुल्क इकट्ठे करने और आपस में कोई गुफ्तगू करें, करते रहे, अल्लाह करे कोई अच्छी बेहतरी उसके इसमें भी आ जाए। नाजरीन, आप हुमायूं खान साहब और नौखे शाही साहब और इससे पहले हशमत गनी साहब को सुन रहे थे कि इस्लामाबाद जो कुछ कर रहे वो बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही अहम और टू द पॉइंट है। जो न्यू दिल्ली में जो एक सूडो एक्टिविटी हो रही है उसकी कुछ नतायज हम तवक्को कर रहे हैं कि उस एक्टिविटी की भी कुछ नतीजे निकले, लेकिन उसके बज़ाहिर जो है ज़मीनी हकायक उसका जो है उसका कोई हमें असरात नज़र नहीं आते। प्रोग्राम इसी तरह जारी है, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे और इस्लामाबाद में जो एक्टिविटीज़ जारी है, भारत में एक एक्टिविटी हुई है और आने वाले दो दिनों में इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहे हैं, अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी साहब एक आला सतही वफ्द के साथ इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आपके इल्म में शायद होगा कि जो तर्जुमान है अफगान अबूरी हुकूमत के ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस दौरे के हवाले से भी काफ़ी जो चीज़ें हैं हमारे सामने रखी हैं कि इस दौरे का मकसद क्या है और इसकी तवक्कात अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को क्या है। उसमें कई नुकात है, एक तो जो अफगानिस्तान की जो तस्लीम ना होने का मामला है उस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बात की थी, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के मामलात है, यानी सबसे बड़ा मामला जो इस वक्त है, दोनों दोस्त ममालिक है, दोनों एक दूसरे को बरादर ममालिक समझते भी हैं और हैं भी ऐसा, तिजारती हवाले से जो कुछ मुश्किलात है तोरखम बॉर्डर पे, गुलाम खान बॉर्डर पे, चमन बॉर्डर पे, इस हवाले से भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने काफ़ी खुल के बात की है कि मसाइल मौजूद है, उसका एक बैनुल अक़वामी तनाज़ुर भी है और एक इलाक़ाई तनाज़ुर भी है। इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में, और हमारे साथ काबुल से बहुत ही एक रेलेवेंट मेहमान मौजूद है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तिजारत के हवाले से उनका एक बराह रास्त रिश्ता है। मोहम्मद नबी शाह साहब हैं, नायब सदर अफगान ट्रांसपोर्ट यूनियन के, ये नायब सदर हैं,
और इनको हमसे ज़्यादा इल्म होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तिजारती सरगर्मियों में क्या क्या मसाइल है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक तवील सरहद है अफ़गानिस्तान के दरमियान, और चमन और तोरखम पे बहुत ही ज़्यादा रोड के ज़रिए यानी ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए तिजारती सरगर्मियाँ होती है, और ये सदियों से हो रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी ये सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। तो हम मोहम्मद नबी शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मसाइल क्या है और उनकी नज़र में बहसियत एक बिजनेसमैन और एक ट्रांसपोर्टर अफ़गानिस्तान के हल क्या हो सकते हैं। मोहम्मद नबी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। नबी शाह साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जी? शायद हमारा कोई नशरियाती और कनेक्टिविटी का कोई मसला है इंटरनेट का, हम दोबारा उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हमीन खान साहब, आप इससे पहले भी बात कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि नौखेज़ साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करें। नौखेज़ साहब, ये तिजारती मसाइल जो है स्पेशली जो तोरखम पे और चमन में जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, या जो जिस तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कह रहे थे और जिस तरह हम आप भी जानते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को काफ़ी करीब से आप देख रहे होते हैं, आपकी नज़र में हमें क्या करना चाहिए कि दोनों ममालिक के बीच में, चाहे दुनिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आबाद हैं, दोनों ममालिक का एक दूसरे पे इन्हिसार है, और ज़ाहिर है जब तिजारती और सनती सरगर्मियाँ ही होंगी तो तभी उनके मसाइल हल होंगे। इसके लिए दोनों ममालिक को क्या रास्ता इख्तियार करना होगा? जी बिल्कुल, तजारती सरगर्मियाँ होंगी तो अफ़गानिस्तान की इकानमी जो है वो बूस्ट करेगी। आपको पता ही है जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब ने आज डेलीगेशन को वेलकम किया है, और मेरा ख्याल है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि हमारी जो ट्रांज़िट के मसाइल हैं उस पर बात होगी डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान से फल है वो 34% जो है उनकी वो अफ़गानिस्तान में भेजा जाता है, तो उनके लिए पाकिस्तान एक तजारती हब है, क्योंकि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान इन्हसार कर रहा है वो अपनी पाकिस्तान की मंडी पर कर रहा है, और पाकिस्तान के थ्रू ही वो दूसरे मुल्कों तक उसकी रसाई हो रही है। तो पाकिस्तान एक तो इनका फैसिलिटेटर के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा है, तो बेसिकली ये डेलीगेशन की सबसे बड़ी जो एक प्रायोरिटीज़ में, टॉप प्रायोरिटीज़ में एक ये बात भी होगी कि हमारे जो मसाइल हैं बॉर्डर पे, चमन पे, तोरखम पे, उनके हल करने के लिए दोनों ममालिक रोल प्ले करें ताकि हमारी जो इकानमी है उसको एक बूस्ट मिले और लोगों को रिलीफ मिले। ठीक खान साहब, एक ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अहम नुक्ता जो मेरी नज़र में था कि उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि ना हमें इंडिया चाहिए, उनका मकसद यही था, ना ईरान, वो कह रहे तजारती नुक्ते निगाह से कह रहा हूँ कि अगरचे अफगान उबूरी हुकूमत सियासी तौर पर तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां है, अच्छे ताल्लुकात वो चाहते हैं, लेकिन तजारत के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ईरान, इंडिया और दुनिया के बाकी जो रीजनल ममालिक है उनमें सबसे अहम प्रायोरिटी जो हमारी है वो पाकिस्तान है। इवन उन्होंने कहा कि कराची का जो बंदरगाह है वो हमारे लिए सबसे अहम बात है। ये हमें समझाइएगा कि अफगान हुकूमत के पास आप जानते हैं कि ईरान का बॉर्डर भी है, सेंट्रल एशिया का भी है, फिर पाकिस्तान पर तकिया क्यों है? मेरा ख्याल है वो ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जिस तरह आपने सवाल किया, तो लॉजिस्टिकली या जो उसकी कीमत वाइज जो यहाँ से कॉस्ट पड़ती है कराची से करें, और अब चूंकि हमने गवादर पोर्ट को भी फंक्शनल कर दिया और उससे भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है, तो ये दोनों बंदरगाहें जो हैं, और फिर हमारा बड़ा जिस तरह आपने कहा कि मतलब हज़ारों सालों से जो एक सिलसिला है, एक नेचुरल वो है, वो उनके साथ है, और ये फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना ली है, तो पाकिस्तान का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि सस्ती और टाइमली जो चीज़ें हैं वो यहाँ से उधर चली जाएं और वहाँ से ये आए, और फिर ये अफगानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक कंट्री तो ये नेचुरल रास्ते हैं जो तुरखम का बॉर्डर है और जो चमन का बॉर्डर है उसके थ्रू अफगानिस्तान गवादर की बंदरगाह और कराची की बंदरगाह जो हैं ये बड़ी इकोनॉमिकली वाइबल हैं कंपेयर टू सेंट्रल एशियन कंट्री से करें या आप ईरान के थ्रू करें। अगर आप देख लें अमरीका भी जब पाकिस्तान से ये गुफ्तगू कर रहा था पिछले चंद सालों से, तो उसमें भी यही था कि उसको रास्ते सबसे ज़्यादा एग्जिट के लिए पाकिस्तान के चाहिए, बिकॉज दे आर
चीपर, दे आर वायबल, दे आर मोर सिक्योर. तो ये वो रीजंस थी जिसका इजहार उन्होंने किया. बाकी वो बाकी तमाम मुल्कों के साथ भी अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकल बड़ा है, उनकी मजबूरी मजबूरी भी है, मजबूरी भी है और जमीनी हकायक के बिल्कुल मुताबिक है. उसके अलावा हमारा जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि हमें जो है ना एक मेडिकल कॉरिडोर देना चाहिए अफगान्स को. अच्छा, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, बड़े अरसे से वो है कि उनको जो है अदवायात के लिए वैक्सीन, अब कोविड आ चुके हैं, उसके अलावा भी चूंकि अस्पताल नहीं है उस नौीयत के अफगानिस्तान में, तो कोई कोशिश करके ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो इस रास्ते पाकिस्तान में आए, जो कि आते रहते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन एक पुराना मैकेनिज्म बनना करनी चाहिए, स्पेशली जो ट्रेड और उसके हवाले लॉजिस्टिक्स के हवाले से, और शायद इसमें ये हो गुफ्तगू जो डेलीगेशन आया है उसमें. ठीक, हमारे साथ मौजूद है, हमने दोबारा कोशिश की है कि हम रابطہ कायम कर सके, मोहम्मद नबी शाह साहब, नायब सदर है अफगान ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ, वो हमारे साथ लाइन पे है इस वक्त, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. मोहम्मद नबी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, मैं आपको और आपकी तरीके से नाज़रीन को और मेहमानों को सलाम पेश करता हूं. बहुत शुक्रिया शाह साहब. ये बताइएगा कि ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती और एक बिरादराना रिश्ता तो मौजूद है, लेकिन इसको हम अगर तिजारती और सकाफती रिश्तों को मज़ीद उसको मजबूत बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. आप हमें बताइएगा कि चमन और तोरखम पे या गुलाम खान चेक पोस्ट पे इस वक्त मसाइल क्या है और इसका हल क्या हो सकता है? जी थैंक यू भाई, ये हम भी चाहिए, ये हमारा जो डेलीगेशन इधर से किया है उधर, इसके साथ हमने अपना मुश्किलात जो तोरखम पे और चमन पे इनके साथ शरीक भी किया है, और बार बार हमने ये कोशिश की है कि पिछले गवर्नमेंट में भी हमने ये कोशिश कर रहा था कि जो दरमियान में सियासत चल रही है इसमें हमारा लेना देना या ट्रांसपोर्ट का या तिजारत का या आवाम का दरमियान में ना लाए, क्योंकि इसका ज्यादा असरात आवाम पे आ रहा है और तिजारत पे आ रहा है. हमारा तोरखम और गुलाम खान और खरलेसी जो अभी नया ट्रांजिट के लिए एक अच्छा सा गेट बन जाता है या एक अच्छा सा रास्ता बन जाता है, क्योंकि तोरखम पे बहुत ज्यादा रश है, तोरखम पे नहीं हो सकता है कि इतना ज्यादा तिजारत उससे क्रॉस हो जाए. वेश पे भी तो बोल था कि बॉर्डर और वेश बॉर्डर पे भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किलात है, तोरखम पे भी है कि हमने अपना डेलीगेशन जो आ गया है पाकिस्तान उसके साथ भी ये शरीक किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इसे बाद ताल्लुकात अच्छा हो जाए तुजारत में और कारोबार में और लोगों के दरमियान में, क्योंकि ज्यादा मुतासिर लोकल या आवाम लोग इससे मुतासिर होता है. ठीक शाह साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान ने अफगान शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म की, ताजरों के लिए खसूसी मराहत के ऐलान किए गए हैं, ये तोरखम और चमन पे ट्रकों की जो आमदरफ्त है उसकी तादाद में इजाफा किया है, ये जो इकदाम पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं आपके लिए कितना ज़्यादा हौसला अफजा है, और इसके साथ साथ अगर इसमें मज़ीद आप कोई बेहतरी लाने की कोई तजवीज़ दे सकते हैं तो ये फोरम आपके लिए हाजिर है? थैंक यू भाई, ये हम पाकिस्तान से शुक्रगुजार है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है जो इन्होंने बताया. ये वीजा में और लोगों को अभी तक तो खालिस वीजा में आसानी आ गया है, लेकिन बॉर्डर में अभी तक आसानी नहीं आया है, और जो ट्रकों के लिए वजीर खारिजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि हम अफगानी ट्रकों को कराची तक छोड़ता है और उसके लिए एक मेकानिज्म बनाए जाएगा, वो अभी तक नहीं बना है. अभी हमारा तुजारत पाकिस्तान के साथ अभी तक इसमें कोई अच्छा ही नहीं आया है. हमने ये बार बार इनसे उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया भी गुलाम खान पे आप लोग जाए, अगर उधर हमारा कोई 2-3 हजार ट्रक लोड खड़ा हुआ है क्योंकि उनको नहीं छोड़ता है वो गुलाम खान पे इसी तरह, और तो इसी तरह हमने बार बार ये रिक्वेस्ट किया है और हम करता भी है कि वो पिछले गवर्नमेंट जो था या
लोग था वो अभी गुजर गया, अभी नया इधर एक नया इस्लामी इमारत आ गया है और पाकिस्तान को एक अच्छा माहौल ये है कि इनके साथ हमारा नए हुकूमत के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात बनाए। वो जो पिछले कर रहा था दोनों गवर्नमेंटों ने, जो अगर अफगानिस्तान का था और पाकिस्तान का था, बातें एक की तरह कर रहा था और काम दूसरा कर रहा था। बहुत ही आप बुनियादी बात कर रहे हैं। सारा था जी जी आप बात कंप्लीट करें। सारा तावान हमारा माशी को या हमारा लोग को या हमारा तुजारत को, हमारा तुजारत पाकिस्तान के साथ कोई $5 मिलियन था, अभी कोई $1 मिलियन तक आ गया है। हमारा सेंट्रल एशिया से कारोबार उस तरफ हो गया है। हम पाकिस्तान से ये चाहता है कि हमारा साथ इमरान खान साहब से हमारा हम ये चाहता है कि बैद हमारा साथ एक अच्छा माहौल बनाए, क्योंकि हम दोनों मुसलमान ममालिक भी है और हमारा कल्चर हमारा जुबान हमारा सारे चीज़ मिलता और दोस्ती का और ये जुग्राफिया बदल नहीं सकता है। हमारा ज्यादा ख्वाहिश इमरान खान साहब से कि हमारा साथ एक अच्छा माहौल बन जाए और एक अच्छा पॉलिसी बनाए, क्योंकि वो पिछले पॉलिसियां सारी गलत थी अगर पाकिस्तान का था अगर अफगानिस्तान का था। अभी एक नया माहौल आ गया है, हम दूसरे पाकिस्तान बैद वो अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी कोई दूसरे ममालिक हम दोनों के दरमियान में हमको नहीं अच्छा बनाना चाहिए। शाह साहब एक जो जी कतई कलामी के लिए माजरत, एक जो मसला यहाँ पे पाकिस्तानी ताजरों से अफगानिस्तान की साइड पे है वो ये है, आप जानते हैं कि पेशावर क्विटा और पाकिस्तान के दीगर कराची से लेकर लाहौर से बहुत सारे ताजर जो है वो सेंट्रल एशिया तक तिजारत करते हैं और वो आप ही की ट्रांसपोर्ट्स को और आप ही की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करके उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान काजिकिस्तान और रूस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। माजी में उनकी ये शिकायतें रही हैं कि अफगानिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस है या जो आप जैसे ताजिर है वो पाकिस्तानियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते रहे हैं। अब हालात चेंज हो गए, आप जिस तरह बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो दोस्त और बिरादर ममालिक है, तो पाकिस्तानी ताजिर भी हमें बताते हैं, एज़ जर्नलिस्ट हमसे शिकायत करते हैं कि आप जैसे जो अफगानिस्तान में मोतबर नाम है, यूनियंस है, जो बाख्तियार लोग हैं, वो भी पाकिस्तानियों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर नहीं तो कुछ फैसिलिटेशन ज़रूर फराहम करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर ये जो हमारा दोनों ममालिक का तुजारी लोगों का ख्वाहिशा थोड़ा सा ज्यादा होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी हमारा ज्यादा लोग उधर माजर हुआ है, कोई हमारा अपना कोई 1500-2000 तक पाकिस्तानी गाड़ीज है कि वो पाकिस्तान उसका सारा चीज पाकिस्तान के वो पाकिस्तान से आ रहे। हमारा भी पाकिस्तानी गाड़ी मजार तक हमारा हैरतान तक कंदार तक हमारा जा रहे। हमने पिछले अरसों से हम ये कोशिश करते हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी हमने हमारा गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि बायद एक अच्छा सा एग्रीमेंट बन जाए, क्योंकि कभी इस तरफ इश्यूज होता है पाकिस्तानी तुजारों के लिए, कभी उस तरफ हमारे लिए इश्यूज होता है और ये तुजारत और सियासत इन चीजों से अलग करे, क्योंकि बहुत बुनियादी बात आपने की। दरमियान में लोग फंस जाता है। हमारा तुजारत कोई 10 साल से बहुत खराब हो गया, बहुत हालात हम तुजारों ने बहुत नुकसान किया है इस हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। उस तरफ का तुजार ने भी बहुत तावान किया है, नुकसान किया और इस तरफ भी हम ये चाहता है कि अभी तो एक अच्छा माहौल बन गया है और हम बहुत पॉजिटिव सोच करें, निगेटिव नहीं कि हम हमारा गाड़ी वो नहीं छोड़ते, हम भी इनका गाड़ी नहीं छोड़े, हमारा तुजार को उधर बिल्कुल आप अच्छी तजावीज दे रहे हैं मोहम्मद नबी शाह साहब, आपने बहुत ही अच्छी हमारी रहनुमाई फरमाई और आपने तजावीज़ भी बहुत अच्छी दी। बहुत शुक्रिया पीटीवी न्यूज़ को वक्त देने का, बहुत शुक्रिया जी। नौखे साहब दो बुनियादी बातें, जो आखिरी नुक्ता उनका था मोहम्मद नबी शाह साहब का, एक ताजिर है वहाँ के ट्रांसपोर्ट यूनियन के एक रहनुमा है, उनका कहना है कि फिल वक्त जो है सियासत और तजारत को अलग किया जाए, इसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सियासत
अपने मसाइल जो हैं अफगानिस्तान की हुकूमत के वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो तजारत है इसको तो जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं दोनों ओपन करेंगे और जितनी सहूलतें फैसिलिटेट तो करें लोगों को, जिस तरह वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमें फैसिलिटेट करें, हमारे लिए रास्ते खोलें, आसानियां पैदा करें, तो वो ये भी इस हवाले से भी बड़े खुशाइंद हैं कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया उसकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल है। वो डेफिनेटली जो अपने दौरे के दौरान जो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें होंगी, रजाक दाऊद साहब से होंगी मुलाकात होगी, तो उसमें ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगा कि आप ये समझते जो मोहम्मद नबी शाह साहब कह रहे हैं कि चाहे सियासत जिस रुख पे जाए लेकिन कम से कम दोनों ममालिक तो आपके चलते रहने हैं, वो तो इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं, उस पर अभी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस होंगे, बड़े फोरम्स पे बात होगी, कुछ डिमांड्स हैं वेस्ट कंट्रीज की, अमेरिका की, लेकिन और तजारत का पहिया चलना चाहिए बिल्कुल, और पाकिस्तान तो रेडी है फैसिलिटेट करने के लिए। उनकी बात ठीक है, अभी उनकी जो मसाइल हैं वो डेलीगेशन हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखेगा, उस पर बात होगी और इनको मजीद फैसिलिटेट किया जाए। खान साहब, जो मोहम्मद नबी शाह साहब ने वो चूँकि ग्रास रूट का और ख़ुद ही डायरेक्ट इस पूरे अमल का हिस्सा है, तो उन्होंने जो बुनियादी बातें की, ये जो मैंने नौखेज़ साहब के सामने बात रखी कि ठीक है आप पाकिस्तान में आज इमरान ख़ान साहब की हुकूमत है, हो सकते कल किसी और की हुकूमत हो, इसी तरह कल वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, आज तालिबान की हुकूमत है, वो कह रहे कि अभी माहौल बहुत ही साजगार है दोनों ममालिक के लिए, हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े भाई की हैसियत से और एक स्टेबल स्टेट की हैसियत से, कि जिसके नतीजे में अफगानिस्तान की तजारती और इक्तसादी सरगर्मियों में इजाफा भी हो और उसका फ़ायदा दोनों ममालिक को भी मिले। ये अहम सवाल भी बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी बड़ा है। इसमें हम पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी जो है ना कंसिडरेशन हैं जिसको हमने मलूज़ खाते रखना है। इसमें कोई शक नहीं कि तजारत का हुजम जो है अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और दुनिया में वो खत्ते ज़्यादा तरक्की करते हैं जिनका अपने खत्ते के अंदर जो है टर्नओवर ज़्यादा होता है। हमारी तजारत का जिस तरह अभी नबी शाह साहब ने कहा तकरीबन 1.2 बिलियन के करीब इस वक्त है और डिक्लाइन आज से कुछ साल, 2 साल पहले 2.5 अरब के करीब थी। अब हमने करना ये है कि ये मसाइल उनकी तरफ से हमने सुने और ये शायद इतनी जल्दी हल हो भी नहीं सकते। इसके ऊपर वफाकी काबीना का जो मौजूदा रिसेंट इजलास हुआ उसमें बहुत सारे फैसले किए गए जिसमें ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई, जिसमें वीज़ाज़ को रिलैक्स किया गया, जिसमें ऑनलाइन वीज़ा का जिक्र किया गया, जिसमें जो है लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ का जिक्र किया गया। अब ये डिसीजन पाकिस्तान ने कर लिए, अब वहाँ पे हमने उन क्रॉसिंग्स जो हमारा बॉर्डर भी तकरीबन फेंस हो चुका है, हमने बायोमेट्रिक का जो है इजरा करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो बड़े अरसे से जो है दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, उसमें आपने सस्टेनेबल जो है ना पॉलिसी मैटर्स को इम्प्लीमेंट करना है कि जब वहाँ से ट्रक किस साइड पे आए तो उनकी ड्यूटी किस तरह काउंट की जाए। ड्यूटी तो चूंकि हमने ख़त्म कर दी है, लेकिन ये है कि वो मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए कि वो चीज़ चलती रहे, आज ये हुकूमत है कल कोई दूसरी हुकूमत है, तो ये सिलसिला जो है सस्टेनेबल हो। और उसके लिए जो है मेरा ख्याल है बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी बीच में शामिल होंगे, हमारी जो ट्रेड की बॉडीज़ हैं। तवक्को आपको है कि आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक के बीच में इक्तिसाद और तजारत के मसाइल में बहुत ज़्यादा तवक्को, और उसकी रीज़न ये है कि अब ये जो डेलीगेशन है, और आपने अगर पिछली भी कई दफ़ा सवाल किया कि दोनों साइडों पर हुकूमतें अब फेवरेबल कंडीशन चाह रही हैं, तो अब पॉलिटिकल विल है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टेक्निक्रेट्स ने उन्होंने मिल बैठ के वो ऐसे पॉलिसीज बनाई। खान साहब, वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन एक तीसरा मौजू जो हमारे सामने है, कल 11 नवंबर को ट्राइका प्लस का इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब उसकी सदारत करेंगे, बहुत अहम ममालिक शरीक होंगे, इस एक्टिविटी के बारे में आप हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। देखें, इंडिया में जो कॉन्फ्रेंस उसका अलामिया तो आज आ गया, अब जितने भी स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान के हवाले से उन सब की नज़रें जो हैं वो अब इस ट्राइका प्लस की मीटिंग पर जमी हुई हैं। अफगानिस्तान का डेलीगेशन इधर है, जितने बड़े प्लेयर्स हैं रीजन के वो इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से डिसाइड हों, कुछ रिकमेंडेशन जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ट्राइका प्लस में अफगानिस्तान की तरफ से पेश की जाएंगी, और उनके मसाइल डेफिनेटली होंगे जो वो फेस कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी हेल्प करें, हमारा जो क्राइसिस बनने जा रहा है इंसानी इसका यानी
अफगानिस्तान में जो इंसानी अलमिया जो रूनमा है उससे बचने के लिए, गजाई किल्लत का जो दवाइयों की शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं बेसिकली, और सबसे बढ़ के अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने का जो मामला है, बिल्कुल वो होगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की डिमांड हैं वो भी ज़ेर गौर आएंगी, जिस तरह कोलेशन गवर्नमेंट है। आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को एड्रेस करना होगा जो बैनुल अक़वामी बिरादरी उनसे चाहिए? देखें, जिस तरह आपकी डिमांड्स हैं इस तरह दुनिया की भी आपसे डिमांड्स हैं। आप पूरा करेंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ा होगी। अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो दोहा एक का आपका मुआहदा हुआ था अमरीका के साथ, उस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करेंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ा नहीं होगी। आपकी क्रेडिबिलिटी इससे बिल्ड होगी अगर आप उन चीज़ों पे, उन शिक्स पे अमल करें जो आपने मुआहदे में शामिल किए। दुनिया के साथ चलने के जो रीत है उसको अपनाने होंगे, तभी आपके मसले होंगे। खान साहब, 29 अक्टूबर को मास्को में एक इजलास हुआ था ट्राइका प्लस का। इस्लामाबाद का इजलास इसलिए अहम है कि इसमें चीन, अमेरिका और रूस जैसे अहम ममालिक के अलावा सेंट्रल एशियाई ममालिक के भी नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं, और तवक्को यही है कि आमिर खान मुत्तकी साहब की क़यादत में अफगान वफ्द भी इसमें शरीक हो। इसमें जो बड़ी चेंजेस इस वक्त जो आलमी सतह पर हुई है कि ज़ल्मे खलीजात के जगह पर इस वक्त थॉमस वेस्ट जो है वो हो सकता है कि इस इजलास में शिरकत करें। आप हमें बताइएगा कि ये जो कल का इजलास होने जा रहा है, ये माजी के ट्राइका प्लस के इजलासों से कितना अहम या मुख्तलिफ साबित हो सकता है? मेरा ख्याल है ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा, क्योंकि अब हम 15 अगस्त के बाद जो इंसानी क्राइसिस या अलमिया का जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको भी देखते हुए पूरी दुनिया में हर फोरम पर इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, और फिर तालिबान भी जो अपनी इंटरिम सेटअप है उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी इस तरफ इशारा करती हैं।